सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ऐसा दृश्य आया जिसमें कैकेयी के आंखों में आंसू भर आए और कैकेयी ने उसका उत्तर नहीं दिया। अब आप सुनिए, एक ऐसा भी मोड़ है। राम जी जीत गए, कैकेयी हार गई। राम जी ने कहा, मां हाँ 14 वर्ष के लिए अवध से जाना तो स्वीकार है, हाँ साधु का वेश बनाना भी स्वीकार है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ बोलो। जब मैं अवध से साधु का वेश बना करके बन जाऊंगा तो मार्ग में लोग पूछेंगे, इस अवध के राजकुमार ने जरूर कोई ऐसा अपराध किया होगा जिसकी सजा अयोध्या के जेल खाने में नहीं दी जा सकती, इसलिए इसको घर से निकाल दिया गया। तो माता, हमें सजा मंजूर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा अपराध क्या है। हमें ये भी तो बताया जाए कि हमारा अपराध क्या है। जब ये राम जी ने पूछा कि मेरा अपराध क्या है, तो कैकेयी माता रोने लगी और कहा, राधो तुम अपराध जोग नहीं ताता। मेरा बेटा अपराधी नहीं हो सकता। राघव, इस संसार में सब अपराध कर सकते हैं, लेकिन तू अपराध नहीं कर सकता, मेरा राम अपराध नहीं कर सकता। इतना कठोर हृदय से कैकेयी का पिघल गया, मेरा बेटा अपराध नहीं कर सकता। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखेदा। मेरा बेटा अपराध नहीं कर सकता, मेरा राघव अपराधी नहीं हो सकता। जननी जनक बंधु सुखदाता। बस थोड़ी देर के लिए कैकेयी माता का हृदय पिघल गया। क्यों? आपको यह ज्ञात होगा कि कैकेयी माता के चरित्र में ही यह लिखा है। कैकेयी माता ने इसको स्वयं स्वीकार किया है ना। वो ही पही करही स्नेह विसेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा दे। संबंध की बात है, मेरे राम अपराध नहीं कर सकता, मेरा बेटा अपराध तो कर ही नहीं सकता है। थोड़ी देर के लिए लगा कि जैसे कैकेयी इस बाजी को हार गई है, लेकिन फिर कैकेयी को याद आया कि मैंने गोलोक धाम में वचन दिया था कि प्रभु सारे संसार में जब तक ये धरा रहेगी तब तक लोग याद करेंगे कि राम जैसा आदर्श दुनिया में कभी प्रस्तुत नहीं हुआ, और तुम्हें राम बनाने के लिए मैं क्रिया शक्ति कैकेयी वचन देती हूं, विधवा भी हो जाऊंगी, सारी दुनिया के ताने भी सुन लूंगी, लेकिन तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाएंगी जिस पर संसार में कोई दूसरा पहुंच ही नहीं सकता। क्योंकि राम को राम बनाने में सबसे अहम भूमिका कैकेयी की है, तो आज उसको लगा कि अगर मैं हार गई तो ये अवध के राजा तो बनेंगे लेकिन दुनिया के भगवान नहीं बनेंगे। अगर इनको दुनिया का भगवान बनाना है तो मुझे कठोर होना ही पड़ेगा।